हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो मोबाइल में कॉल नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं उस ऐप को खोजना है। तो हम आते हैं नीचे और ऐप को खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक और अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है, जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ लिखा है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है, तो हम इन पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं। तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इस तरह से चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो देखिए अब हमने कर दिया। अब आना है बैक और अब यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और चेक करना है। अगर यह नोटिफिकेशन बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है। देखिए हमारे फ़ोन में पहले से ही चालू है। इतना करने के बाद अब होम स्क्रीन पर आना है और अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। जैसे ही इतना कर लेंगे फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी और इस तरह आसानी से सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।